हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आपके ही सिलेबस के। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन के तीनों सब्जेक्ट का पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट की ही, साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। तो उसका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल हम पढ़ रहे थे, तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। हम इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है। इसके आधार पर आप एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन लगा लेंगे आप वाले में, चाहे जो भी एक्सरसाइज हो, बट मेथड आपका यही लगने वाला है। हम एक्सरसाइज में इसलिए डिवाइड करके बताते हैं ताकि आपको अनुमान चल सके कि ये नेक्स्ट मेथड हमारा आ चुका है। जैसे इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस टू एक्स जेड क्यूब जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू टू जेड आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू अपॉन डी एक्स डी वाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एट वन कामा जीरो कामा माइनस टू। यही हमको निकालना है, तो सोल्यूशन लिख लेंगे इसका। इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो कि ये हमारा दिख रहा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना जानते हैं। या तो डायरेक्ट कराइए, आई आई कैप क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई क्या होता है जीरो, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होगा, बाकी सब और सब में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कराइए, या तो आप करा दीजिए आई कैप जे कैप ठीक है। आई कैप की वैल्यू पहले ए लिखे, पहले ए वाला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, पहले बी वाला नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस में वैल्यू हो जाती है, माइनस टू एक्स जेड क्यूब एंड एक्स जेड स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, टू जेड और वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां से हम निकालें आई कैप निकालें तो ये वाला ऐसे छोड़ दिया जाता है, इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू एक्स क्यूब जेड क्यूब, बीच में माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर अगर हम जे कैप निकालें, जे कैप हमेशा माइनस में लिखा जाता है, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, जे कैप निकालेंगे तो ये वाला बीच वाला आपका छोड़ दिया जाए, किनारे किनारे वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे, माइनस ये भी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स पावर फोर वाई बचेगा, एंड बीच में हम जब माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स जेड क्यूब हो जाएगा, टू एक्स जेड क्यूब। जब हम के वाला लिखते हैं तो के कैप लिखते हैं प्लस में, ये क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस यही आर्डर चलता है हमारा, तो ये वाला छोड़ दिया जाता है, जो लेते हैं वही रो वही कॉलम छोड़ देते हैं। वाई का इसमें कराएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बीच में माइनस, इसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू टू जा फोर एक्स जेड पावर फोर, फोर एक्स जेड पावर फोर। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, आई कैप टू एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, माइनस अगर इन दोनों में कॉमन कर ले या माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस जे कैप बचेगा, ये क्या हो गया हमारा, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू एक्स जेड क्यूब प्लस के कैप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स जेड पावर फोर। यहां तक बचा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एक चीज देख रहे हैं, वैल्यू हमने लिखना भूल गया, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई जेड था, तो जे कैप वाला जब लेते तो कुछ यहां पर जेड आ जाता ना, और इसमें लेंगे तो के कैप वाला लिए इतना छोड़े, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड यहां भी आता ठीक। अब सही है, अब ये तो आ गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बट हमको निकालना क्या है, इतना इतना निकालने के लिए जो राइट हैंड साइड होता है उसको पहले लिखते हैं, क्यों, क्योंकि डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई है, तो इसको लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई लिख सकते हैं। चलिए तो पहले डेल अपान डेल वाई निकालेंगे, ये तो डेल अपान डेल वाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये देखेंगे इसमें वाई का फंक्शन है नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें वाई का फंक्शन है क्या हो गया, माइनस एक्स जेड स्क्वायर आई कैप, इसमें देखेंगे इसमें वाई का फंक्शन है इसमें तो प्लस, ये क्या हुआ एक्स पावर फोर जेड, इसमें वाई का फंक्शन है नहीं जे कैप, और इधर क्या हुआ प्लस,
कैप है, तो इसमें वाई का फंक्शन है, तो टू वाई वाई टू वाई एक्स स्क्वायर जेड दो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y के रिस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2y y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें y नहीं है, तो हमारा क्या आ गया माइनस एक्स जेड स्क्वायर आई कैप और x पावर 4z j कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड के कैप, वो एक ही चीज है, मान ये के कैप लगा लीजिए 2y x स्क्वायर जेड के कैप, यही बचा है हमारा। अब क्या लिखेंगे हम, अब हमको निकालना है डेल अपान डेल, अब इसी का क्या करना है, डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल अपान डेल वाई का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये एक्स तो है ही हमारा, एक्स का हो जाएगा 1, तो माइनस जेड स्क्वायर आई कैप, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 आगे चला गया एक्स क्यूब, तो प्लस 4x³ जेड जे कैप, एक्स है 2 2 जा 4xy जेड के कैप, ये हमारा आ गया डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू। बट हमको ये निकालनी किस पर है वैल्यू, एट 1,0,-2, तो लिख लेंगे एट 1,0,-2, मतलब x की वैल्यू ये रखेंगे, y की वैल्यू ये रखेंगे, z की वैल्यू ये रखेंगे, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, z की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -2, माइनस तो है ही, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होएगा, -4 आई कैप बचाएगा, ठीक, यक्स क्यूब जेड है, यक्स की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब करें 1 ही आएगा, जेड की वैल्यू करेंगे -2, तो -2 जे कैप, और क्या बचा हमारा वाई, वाई की वैल्यू यहां पर 0 हो रहा है, वाई की वैल्यू रखेंगे के का टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यही हमारा आएगा -4 आई कैप -2 जे कैप, फटाफट से नोट कर लीजिए। सॉरी अभी ये तो 4 तो बचा ही था ना, ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे इसमें जे वाले में, ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू -2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, ये दे रहा है एफ एक्स वाई कामा जेड इक्वल टू 3x² y - y³ z², तो फाइंड करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन है एफ, तो ग्रेड एफ आपको फाइंड करना है, मतलब ग्रेड एफ मतलब समझते हैं, ये ग्रेड एफ होता है, ये डाइवर्जेंस एफ होता है और ये कर्ल एफ होता है, जब डॉट लगता है डाइवर्जेंस हो जाता है, कुछ नहीं लगता तो ग्रेड होता है, और क्रॉस लग जाता है तो कर्ल हो जाता है, तो आपको ग्रेड एफ निकालना है एट पॉइंट इतना, तो सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, ग्रेड एफ कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, ग्रेड एफ इक्वल टू मतलब ये डेल एफ, तो डेल की वैल्यू रखेंगे डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप, के कैप आगे आगे पीछे भी कर सकते हैं, यफ की वैल्यू क्या है फंक्शन यफ, यफ की वैल्यू यहां पर दी गई 3x² y - y³ - y³ z² - y³ z² ये वैल्यू आपको दी गई है, अगर आप यहां से निकालें इसको तो आई कैप पहले लिख लेंगे डेल अपान डेल एक्स 3x² y - y³ z² प्लस जे कैप लिख लेंगे डेल अपान डेल वाई ये वैल्यू 3x² y - y³ z² प्लस के कैप लिख लेंगे डेल अपान डेल जेड 3x² y - y³ z² दिख रहा है आपको कैमरे में बढ़िया से, आई होप दिख रहा होगा। चलिए देख लेते हैं, अब हम जानते हैं इसको आई कैप तो लिखेंगे ही डेल अपान डेल एक्स, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x हो जाएगी ये 3y, तो हमारा काम रहेगा 3 2 जा 6x y, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ये तो 0 हो गया, प्लस जे कैप
के रिस्पेक्ट में इसको करना है, y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे 3x² माइनस y क्यूब का करेंगे तो 3y² z² हो जाएगा, प्लस k कैप हो गया, k कैप के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको z के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें जेड का फंक्शन है नहीं, इसमें जेड का फंक्शन है वाई क्यूब, हमारा क्या होगा कॉमन कांस्टेंट होगा, माइनस वाई क्यूब हमारा कांस्टेंट होगा, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, तो 2y³z, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल एफ की, समझ पाए। अब पॉइंट निकालना है 1, -2, -1 पर, तो उस पॉइंट पर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे एट पॉइंट गिवन कितना है 1, -2, -1, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 एक्स वाई और जेड रखते हैं, तो यहां पर रख देंगे जब वैल्यू डेल आई एफ की वैल्यू हो गई आई 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -2 है, प्लस जे कैप 3 एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, जेड स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस के कैप है -2 है ही हमारा, y क्यूब मतलब -2 का क्यूब क्या होता है 2 2 4 4 2 8 -8 और जेड क्या हमारा -1। अब इसकी वैल्यू जब रख लेंगे 6 2 12 -12 आई कैप प्लस ये देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पर 3 इंटू 1 मतलब 3 ही आया, 3 4 12 में से 3 हमारा चला जाएगा, कितना बचेगा 9 -9 j कैप। अब इधर देखेंगे 8 2 16 माइनस प्लस, लेकिन माइनस आ गया -16 k कैप, ये हमारी डेल एफ की फाइनल वैल्यू निकल कर आ गई, -12 i कैप -9 j कैप -16 k कैप। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, पूरे 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसमें तीसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट है, 6 पार्ट बताएंगे, लेकिन ये चीज बता देना चाहते हैं इसमें कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे पहला दूसरा तो कम दो ही तीन बार पूछा गया है, अभी चौथा पांचवा छठवां जो है कम से कम 6 6 7 7 8 8 बार पूछे जा चुके हैं एक क्वेश्चन, तो उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पूरा आ जाए, हो सकता है इसमें से कोई भी एक दिख जाए, या फिर मेथड वही रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज रहे, डोंट वरी, ध्यान समझे रहेंगे मेथड किस प्रकार लगाना है आप टोटल लगा लेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, पहला कह रहा है r यूनिट वेक्टर सॉरी मॉड वेक्टर r है, वेयर जहां वेक्टर r इक्वल टू xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, प्रूफ करना है आपको डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार इसको प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, पहले लिखेंगे इफ यदि वेक्टर r दे रहा है हमारा कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर r की वैल्यू दे रही है, और हमारा दे रहा है गिवन क्या है r इक्वल टू मॉड वेक्टर r, तो मॉड वेक्टर r कैसे निकालते हैं अंडर रूट या i का जो हमारा होता है जैसे 4i हो गया, 4 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर एक्स आई है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, अगर यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा पूरे पूरे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट में हमारा क्या प्रूफ करना है डेल एफ ऑफ आर इक्वल टू, इसको इतना प्रूफ लाना है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे, डेल की वैल्यू रख दीजिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए वो हम इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता चुके हैं, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ ऑफ आर। आप देखेंगे आई कैप लिख सकते हैं इसको डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ आर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ आर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ ऑफ आर,
यहाँ से लिख सकते हैं आई कैप कोई भी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ आर, ये क्या हो गया डेल आर अपान डेल एक्स होगा, ऐसा ही समझ पा रहे हैं कैसे हुआ। चलिए इसका भी उसी प्रकार कर देंगे क्योंकि फंक्शन फंक्शन ऑफ आर है हमारा। अब क्या करेंगे जे कैप हमारा कॉमन है, क्या कॉमन क्या मल्टीप्लाई में जे कैप लिखेंगे, ये डेल अपान डेल वाई एफ ऑफ आर है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश आर से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आर का जब करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में डेल आर अपान डेल वाई, के कैप इसी प्रकार डेल एफ सॉरी एफ डैश ऑफ आर डेल आर अपान डेल जेड, इतना कर सकते हैं। किसी कोई दिक्कत हुई यहां तक होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये एकदम सिंपल है। आगे देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करना है इसको, एकदम सिंपल सा है। एफ डैश आर इसमें देख रहे हैं कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, तीनों में एफ डैश आर एफ डैश आर है, एफ डैश आर कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा हमारा आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और आर भी हमारा तो कॉमन ही है। क्या बचा हमारा एफ डैश ऑफ आर, इसकी वैल्यू होती है डेल आर, कितना आ गया हमारा डेल एफ आर की वैल्यू, समझ में आया कैसे हुआ प्रूव। चलिए दूसरा देखते हैं, इतना फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका आपके सामने, एक बार प्रयास कीजिए अपने आप से वीडियो को पुश करके। चलिए अब हम लगाते हैं इसका सॉल्यूशन, देखेंगे इसका प्रूफ क्या होगा। डेल आर को हमें वन अपार आर वेक्टर आर दिखाना है, डेल आर हम लिखेंगे डेल आर इक्वल टू, डेल की वैल्यू क्या होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, ये आर। अब हमें क्या करना है आई कैप इसको लिख सकते हैं डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपान डेल जेड, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बोलो हाँ या ना। बट यहां पर देख सकते हैं हम क्या है, बट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो टू आर डी डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये सब तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ टू एक्स बचेगा, टू से टू कैंसिल हो गया, डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू मिली एक्स अपान आर। सिमिलरली इसी प्रकार दिखा देंगे डेल आर अपान डेल वाई क्या करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई अपान आर आएगा वाई अपान आर, एंड डेल आर अपान डेल जेड इक्वल टू जेड अपान आर, आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म हो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू ले जाकर रखेंगे क्या मिलेगा यहां से डेल आर इक्वल टू आई कैप डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर एक्स अपान आर एक्स अपान आर प्लस जे कैप एक्स अपान आर प्लस के कैप एक्स सॉरी वाई अपान आर रहेगा और ये जेड अपान आर, होगा कि नहीं होगा किसी कोई डाउट है जल्दी बताओ, नो डाउट। चलिए अब यहां से देख सकते हैं वन अपान आर सभी में कॉमन है, लिख सकते हैं वन अपान आर कॉमन हो गया, बचा क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वन अपान आर कॉमन है, ये किसकी वैल्यू है वेक्टर आर की, वेक्टर आर हो गया प्रूफ कि नहीं, डेल आर इक्वल टू वन अपान आर वेक्टर आर प्रूफ करना था, अगर इसको यूनिट वेक्टर आर भी पूछे तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ले लीजिए प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कैसा होगा, तीसरा पार्ट इसका और भी सिंपल है।
तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन देख लेंगे। देखिए यार, दे रहा हमारा डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू जीरो, यही आपको दिखाना है। अब आप लिखेंगे डेल एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर, मिला था आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। अब इसको लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ आर, डेल आर की वैल्यू क्या निकाले थे, वेक्टर आर अपान आर फ्रॉम पार्ट, वैल्यू रख दी है फ्रॉम पार्ट सेकंड, डेल आर की वैल्यू यहां पर ले आकर पुट कर दिए। अब हमको निकालना है इसमें क्रॉस वेक्टर आर दिया गया है, तो देयरफॉर एफ ऑफ आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश ऑफ आर इंटू वन अपान आर क्रॉस में वेक्टर आर क्या हो गया, वन अपान आर बाहर हो गया, एफ ऑफ आर एक ब्रैकेट में है तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर, हम जानते हैं दो से दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू जीरो सिंस एज वी नो दैट, इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे, टोटल क्या हो गया जीरो। नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं, फोर्थ देखेंगे, फोर्थ तो और भी सिंपल है, डेल वन अपान आर इक्वल टू माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, फोर्थ का सॉल्यूशन है ये, यहां पर आपको निकालना है डेल वन अपान आर की वैल्यू, तो निकालेंगे डेल की वैल्यू रखेंगे एक्स आई कैप जो जो करा वही वही रखते चलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वन अपान आर। एक बार बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते रहे आप ऐसे समझते रहे मजा नहीं आता ना, कि जब मतलब जब तक मजा ना आए पढ़ने में तब तक क्या मजा है, समझ में नहीं आता तो क्या मतलब है, समझ में वैसे तो आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ है भी तो नहीं क्वेश्चन में, बस डेल 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 का मान रखते चलो कहते हैं। तो डेल वन अपान आर इक्वल टू अगर इसकी वैल्यू आप रखेंगे क्या निकलेगा आपका, ये मिस कर दिए, डेल की वैल्यू ये नहीं होती, देखो बात बात में गलती हो गई, डेल अपान डेल एक्स होता है, डेल अपान डेल वाई होता है, डेल अपान डेल जेड होता है, आई कैप हमारा रहेगा ही डेल अपान डेल एक्स वन अपान आर प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई वन अपान आर प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड वन अपान आर, रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। अब क्या होगा आई कैप डेल अपान डेल एक्स वन अपान आर, मतलब वन अपान आर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसे करोगे, वन अपान आर है आर पावर माइनस वन लिखोगे, माइनस वन आर पावर माइनस टू मतलब माइनस वन अपान आर स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस वन अपान आर स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल आर अपान डेल एक्स रखोगे कि नहीं रखोगे, प्लस इसी प्रकार जे कैप कर देंगे माइनस वन अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप माइनस वन अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल जेड। आगे देखेंगे अब यहां से माइनस वन अपान आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या है हमारा डेल आर अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर अपान डेल जेड के कैप, हम जानते हैं डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाला, कैसे निकाला देख लीजिए, अभी अभी हमने निकाला था कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, टू आर डेल आर अपान डेल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे थे तो टू एक्स हो जाता था, ये तो जीरो हो जाएगा, टू से टू कट गया, डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान आर, इसी प्रकार सभी का कर लेंगे, सभी वाई अपान आर जेड अपान आर हो जाएगा,
क्या हो जाएगी ये, माइनस वन अपान आर स्क्वायर एक्स अपान आर आई कैप प्लस वाई अपान आर जे कैप प्लस जेड अपान आर के कैप। यहां से वन अपान आर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान आर क्यूब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बच गया हमारा एक्स आई कैप वाई जेड के कैप वैल्यू होती है वेक्टर आर, तो रख देंगे माइनस वन अपान आर क्यूब। प्रूव हम क्या करना था, ये वेक्टर आर की वैल्यू हमारी डेल वन अपान आर, करना कुछ नहीं था एकदम सिंपल सा था, प्रूव बन गया। चलिए दो पार्ट इसके और है, दोनों पार्ट और कर लेते हैं। अब आने वाले क्वेश्चंस जो ये जैसे कि हमारा पांचवा हो गया, बहुत बार पूछा जा चुका है, 8-10 बार पूछा गया है, इसको फिर से नोट कर लीजिए पांचवा वाला, और तो भी पूछे गए हैं 4 बार 3 बार 2 बार, लेकिन ये 5 6 सॉरी 7 8 बार पूछा गया है, और इसके आने वाले भी वही 7 8 बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप देखेंगे कि ये क्या होगा हमारा, डेल लॉग वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर, हमें प्रूव करना है डेल लॉग मॉड वेक्टर आर इक्वल टू, कैसे प्रूव करेंगे इसको ध्यान देंगे। पहले वेक्टर आर है, हम जानते हैं कि वेक्टर मॉड वेक्टर आर की वैल्यू आर दी गई है, तो यहां पर लिख सकते हैं डेल लॉग आर। अब क्या करेंगे, डेल की वैल्यू रखेंगे डेल अपान डेल एक्स आई कैप निकाल लीजिए, गुणा करा दीजिए लॉग आर प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई, एक लाइन बढ़ जाती है, हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं लॉग आर, कोई परेशानी तो नहीं है, प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड लॉग आर, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है यक्स के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप तो हमारा रहेगा ही, लॉग आर का डिफ्रेंसिएशन वन अपान आर, फिर डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे कैप वन अपान आर डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप वन अपान आर डेल आर अपान डेल जेड। यहां से वन अपान आर निकालेंगे, क्या बचेगा हमारा डेल आर डेल अपान डेल एक्स प्लस आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप, यहां सभी में देखो आर 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 बाहर निकाल लो, निकलेगा कंफर्म, समझ में आ रहा है, बस वैसे समझ में आ रहा है ना, लेकिन हमको ऐसा प्रूव नहीं करना है, तो आप आर ना बाहर निकालिए ऐसे रखिए। हम जानते हैं यहां पर वन अपान आर डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपान आर आई कैप प्लस वाई अपान आर जे कैप प्लस जेड अपान आर के कैप, ये आर है, वन अपान आर सभी में कॉमन है, वन अपान आर स्क्वायर हो जाएगा बाहर निकलेगा, आर इंटू आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, एकदम सिंपल था ना, के कैप वन अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है वेक्टर आर, वेक्टर आर यही आपको प्रूव ही करना था, लॉग मॉड वेक्टर आर, ये देखिए ये प्रूव करना था। ठीक, चलिए छठवां पार्ट प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रूव करना है एकदम सिंपल है, तो ये देख कर क्या घबरा रहेंगे, एन आर पावर एन माइनस वन टू है पता नहीं क्या है। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, छठवां देख लेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये आपको प्रूव करना है डेल आर की पावर एन, डेल की वैल्यू रखेंगे डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप और आर पावर एन, ये क्या हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स आर पावर एन आई कैप प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई आर पावर एन प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड आर पावर एन। हम जानते हैं किसी का डिफरेंशिएशन होता है आर पावर एन है तो एन आर पावर एन माइनस वन होता है, तो ये क्या हो जाएगा एन आर पावर एन माइनस वन, सभी में होगा कॉमन कर लीजिए, तो डेल आर अपान डेल एक्स आई कैप बचेगा हमारा, समझ पा रहे हो नहीं, चले जाने बड़ाई कर देते थोड़ा, आई कैप इसका आर पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एन आर पावर एन माइनस वन डेल आर अपान डेल एक्स, इसी प्रकार सबका हो जाएगा जे कैप एन आर पावर एन माइनस वन डेल आर अपान डेल वाई प्लस के कैप एन आर पावर एन माइनस वन डेल आर अपान डेल जेड आई कैप। देखो
एन आर पावर एन माइनस वन कॉमन हो रहा है, एन आर पावर एन माइनस वन कॉमन हो रहा है। तो और बच क्या रहा है हमारा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के कैप, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। चलो अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, एन आर पावर एन माइनस वन। इसमें देखेंगे डेल आर अपान डेल एक्स है, इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स अपान आर आई कैप प्लस वाई अपान आर जे कैप प्लस जेड अपान आर के कैप, वन अपान आर बाहर निकालेंगे, आर पावर एन माइनस वन अपान आर बाहर निकल गया, बचा क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर पावर माइनस वन ऊपर ले जाएंगे तो एन आर पावर एन माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस वन होगा तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया। और ये किसकी वैल्यू, हमारी वेक्टर आर की, वेक्टर आ रहा है किसके इक्वल, आर पावर एन के इक्वल, प्रूव्ड। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि एकदम बढ़िया सा लाजवाब क्वेश्चन वो भी है, उसके बाद ये वीडियो हमारी समाप्त होगी। अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंटरप्रेट द सिंबल वेक्टर ए डाइवर्जेंस डेल, मतलब वेक्टर ए डॉट डेल, तो डाइवर्जेंस के टर्म में लिखा गया है, तो आपको करना क्या है इसको निकालना है। डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे, डाइवर्जेंस से बोलते हैं डाइवर्जेंस वाले लगता है, डॉट डेल बोलेंगे। इसका आपको इंटरप्रेट करना मतलब व्याख्या करनी है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्या बताएंगे इंटरप्रेट इतने करना है। लेट जब कुछ नहीं दिया रहता है तो वेक्टर ए को क्या मान लें हम, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप, सॉरी ए टू मानिए, बी वन कहाँ से आ गया, और ए थ्री के कैप लेट कर सकते हैं। तो हम अगर दिखाना चाहें कि वेक्टर ए डेल और डॉट डेल, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और डेल की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, यही होती है। यहां पर देखेंगे आई क्रॉस आई वन होता है, बाकी अदरवाइज सब जीरो होता है, आई क्रॉस जे आई क्रॉस के, जब ये डॉट का प्रोडक्ट होता है तब क्रॉस में आई क्रॉस आई जीरो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्रॉस में सेम वाला जीरो हो जाता है बट डॉट में सेम वाला रहता है, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो ए वन क्या बचा, ए वन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए टू डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए थ्री डेल अपॉन डेल वेक्टर ए डॉट डेल, इतने की वैल्यू आ गई, नोट कीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, चलिए मिटा दें इसको। दूसरा वाला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो में क्या कह रहा है, सो दैट आपको शो करना है वेक्टर ए डॉट डेल फाई इक्वल टू, इतना लाना है, इतने से इतना। तो देखेंगे वेक्टर ए डॉट डेल, अभी फर्स्ट वाले में इसी का तो हम इंटरप्रेट किए थे मतलब व्याख्या किए थे, क्या आया था, ए वन डेल अपॉन डेल एक्स ए टू डेल अपॉन डेल वाई ए थ्री डेल अपॉन डेल जेड, यही तो वैल्यू बची थी ना। अब क्या करेंगे, इनटू में फाई लगाएंगे, मारा फाइल लगाएंगे इसी प्रकार से ना। अगर आप देखे जाए इसको ए वन डेल फाइव पान डेल एक्स प्लस ए टू डेल फाइव पान डेल वाई प्लस ए थ्री डेल फाइव पान डेल जेड, ये किसकी वैल्यू आई, वेक्टर ए डॉट डेल फाइव की वैल्यू आई, और ये कहाँ से वैल्यू रखे, फ्रॉम पार्ट नंबर फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट से ये वैल्यू हम उठा करके पुट किए थे। अब चलिए देख लेते हैं हम इतने को भी सॉल्व कर दें, अगर इतना आ जाए तो हमारी दोनों वैल्यू, तो आल्सो अगर हम निकालें वेक्टर ए डॉट डेल फाइव क्या हो जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ए वन आई के प्लस
ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, डॉट प्रोडक्ट है डेल फाई, डेल की वैल्यू क्या है डेल फाई अपान डेल एक्स आई कैप, फाई की डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, प्लस डेल फाई अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपान डेल जेड के कैप, इतना होगा। अब जानते हैं आई आई कैप क्या होता है, यहाँ पर वन होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा इवन, आई आई डॉट प्रोडक्ट वन ही बचेगा, तो डेल फाई अपान डेल एक्स प्लस जे वाला जिस करेंगे ए टू डेल फाई अपान डेल वाई प्लस ए थ्री डेल फाई अपान डेल जेड, ये क्या आ गया वेक्टर ए डॉट डेल फाई की वैल्यू आ गई। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं राइट हैंड वैल्यू बराबर है, लेफ्ट हैंड वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ए डॉट डेल फाई इक्वल टू वेक्टर ए डॉट डेल फाई, यही हमें प्रूव करना था। चलिए देख लेते हैं लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे लगेगा यह टाई। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड देखेंगे इसका, ये आपको प्रूव करना है कि वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए, यही आपको प्रूव करना है। देखेंगे इसका वेक्टर ए की वैल्यू क्या माने हो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, डॉट में डेल है, डॉट में लगा के क्या करेंगे डेल का प्रयोग करेंगे, डेल क्या है हमारा डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप, ठीक। फिर हमारा वेक्टर आर है, वेक्टर आर की जगह क्या पुट करेंगे, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो वेक्टर आर हमारा रहेगा ही, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर आई कैप का आई कैप से कराएंगे तो ए वन डेल अपान डेल एक्स प्लस ए टू डेल अपान डेल वाई प्लस ए थ्री डेल अपान डेल जेड वेक्टर आर, वेक्टर आर का भी करा दीजिए क्या हो जाएगा ए वन डेल वेक्टर आर अपान डेल एक्स प्लस ए टू डेल वेक्टर आर अपान डेल वाई प्लस ए थ्री डेल वेक्टर आर अपान डेल जेड, लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम लिख लेंगे। सिंस होता क्या है हमारा, अगर हम कोई एक्स वाई जेड फंक्शन माने तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर हम यहां से इसका डिफ्रेंशिएट करें मतलब डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये वाला जीरो हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ही बचेगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसकी वैल्यू वन बचेगी, तो बचा क्या आई कैप सिर्फ बचा। सिमिलरली ये हमारा बच गया, सिमिलरली लिख लेंगे सभी इसी प्रकार कर लीजिए, डेल वेक्टर आर अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या बचेगा जे कैप, और आगे देखेंगे ये भी लिख लेंगे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड डेल वेक्टर आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू के कैप होगा। अब यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो वेक्टर ए डॉट डाइवर्जेंस सॉरी डेल वेक्टर आर, यही वैल्यू उठा हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड तो माने थे ना, थर्ड मान लो इसको, यही क्वेश्चन का है भाई, तो थर्ड मान लेंगे क्या आ जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर इक्वल टू डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आई कैप ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, मीन्स वेक्टर आर डॉट डेल वेक्टर आर इक्वल टू इसको क्या माने थे वेक्टर ए की वैल्यू माने थे, सो कि हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी के बेस पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगला हमारा एक नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा, वो नेक्स्ट मेथड होगा। ये मेथड बढ़िया समझ में आ गया। अगला अगर कुछ चेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे हम बताएंगे उसमें कुछ मेथड उसका चेंज रहेगा, कुछ पूछने का भी मेथड चेंज रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ मैं बता देना चाहूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से जाकर के आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।